नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में बीती देर शाम मांस पकाने की सूचना मिलने के बाद आक्रोश फैल गया। बिजनौई बाहुल्य गांव होने के कारण गांव की में जीव हत्या अथवा मांस नहीं पकाया जाता। बिजनौई समाज को गांव के लोगों ने मांस पकाए जाने की सूचना दी, जिसके बाद उनका जमकर विरोध किया गया। वहीं सूचना पाकर के वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गांव में शांति बरकरार रहे इसके लिए गांव में मौजूद लोगों के सामने उस मामले को शांत करवाया गया। दरअसल गांव के बाहरी इलाके में बनी एक कॉलोनी में एक समुदाय विशेष के लोग सूअर का मांस पका रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में किसी दावत का आयोजन किया गया था। मांस पकाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिल गई। बिजनौई बाहुल्य गाँव होने के कारण ग्रामीणों में रोष फैल गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में किसी प्रकार के जीव की हत्या पर पाबंदी है, बावजूद इसके मीट पकाने वाले परिवार ने उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तनाव को बढ़ता देख गांव के सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा कर शांत करवाया। वहीं घर में पकाए जा रहे मांस को गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया गया। वहीं वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी बोले कि ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांगू की विशेष रिपोर्ट। मामला है जी, ये कारनिया रोड पे कॉलोनी है जो पंचायती जमीन पे वही कब्जे में बैठी है और मीट बना रहे हैं। एक बड़ा कड़ाव भर के लगभग 50 किलो के करीब है। देखो, महकमे को जानकारी दी है, आने वाले हैं, मीट किस चीज़ का है, हिरण का है, सुअर का है, गाय का है, तो वो तो अब स्पेशलिस्ट आएंगे तो वही बता पाएंगे। गाँव का माहौल खराब कर रहे हैं। गाँव में मांस का पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जो ये दो तीन घर है यहाँ पे सुअर पाल रखे हैं और लगभग दूसरे तीसरे दिन ऐसा मामला होता है। हमारे संज्ञान में ये पहला ही मामला है जो कि बड़ोपल गांव बिश्नोई बहुल्य गांव है, जो बिश्नोई कौम जीव रक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो इन्होंने ऐसा काम करके गांव में माहौल खराब करने का जो काम किया है वो बहुत ही नहीं। आगे ऐसा काम ना हो आप क्या करोगे, कार्रवाई क्या करोगे? कार्रवाई तो प्रशासन को लिख के देंगे और जो ये पंचायती जमीन में अवैध कब्जे में बैठे हैं इसकी भी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई इसको शीघ्र ही करके जो गांव का माहौल खराब कर रहे हैं असामाजिक तत्व, तो उनको जो नजायज कब्जे में बैठे हैं तो कब्जा छुड़वाने का काम करेंगे। क्या नाम है? जोगिंदर सिंह पुनिया, सरपंच प्रतिनिधि बड़ोपल। बड़ोपल में आज सरपंच ने हमारे को सूचना दी कि भी कोई अपने घर में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मीट बना रहा है। तो उनका संदेह ये था कि ये मीट किसी जंगली जानवर का हो सकता है, जैसे नील गाय। तो हम वहाँ गए मौके पे, ये बलजीत नाम का एक वाल्मीकि समाज से था, उसके घर में कोई फंक्शन था। तो हमने मीट की जांच की, वो मीट जो है ये सुअर का था। हमने पूछताछ भी की, उसके ऑर्गन भी फिर हमने देखे। फिर हमने पूछा भी ये आप कहाँ से लेके आए, तो उन्होंने बताया ये मीट उन्होंने हमारे फतेहाबाद से पवन कसाई से खरीदा था। फिर हमने पवन के पास भी पूछताछ की ये मीट, उन्होंने बताया भी वो 50 किलो मीट जो है शुगर का लेके गए, जो कि तीन जगह पैकिंग करवा के ले गए थे और तीन ही जानवर से 50 किलो। तो उनका बेचने वाले का खरीदने वाले की बातों का मिलान हो गया और जो मीट के अंदर जो ऑर्गन थे वो स्पष्ट थे, शुअर थे। तो ये हमारा तो वाइल्ड लाइफ का तो कोई मैटर नहीं बनता है। आगे गांव वालों का उनका आपस में क्या मैटर है वो तो लोकल पुलिस है, जो चौकी इंचार्ज है वही बता सकते हैं आपको इसके बारे में। तो क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। जब हमारा कोई वाइल्ड लाइफ को उन्होंने इंजरी नहीं किया है, ना ही हमारा जो मीट है वो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम जयविंदर नेहरा, इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ। ठीक है।